बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप पहले से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं डेली न्यू पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। व्यूअर, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ हर नए टॉपिक पर जो है ना, मैं आपको अपनी वीडियो दिखाता हूँ। उम्मीद है कि मेरी आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी बहुत मशहूर आलम हैं, कारी अब्दुल रशीद हक्कानी साहब। उनके बयान जो जिस तरीके से, जिस तरह से वो बयान करते हैं, उनकी तरह मैं आपको उनकी आवाज़ में मैं बयान करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डेली न्यू पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يا أيها الذين
سلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله اٹھے سویرے اے راہیا اتے تے ونجنے पंद परे रे क्यों जोग बिगानी पानी दे क्यों आके लेनी दे रे माल बगीचे अत महल ते माया इत कम ना आसनी तेरे और जो जाया आखिर मर वे से वन खाक तने जिंदर बलग अल उला बे कमाल ही कशफत दो जा बे जमाल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही सल्लू अलैहि رب رسول والی ہو بھی یاریاں سب خواریاں نے جنہ یاری لئی رب رسول دینال اتا پڑ بٹ دیاں بیڑیاں تاریاں نے جنہ ایدر دو ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਤਿਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਵਰਸ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ उनकी आवाज़ में बयान सुनाना वो तो अपने आप में कंप्लीट है मुकम्मल है लेकिन मैं कोशिश की है थोड़ा सा जिस तरह अल्लाह पाक ने मेरे अंदर सलाहियत रखी है तो माशाल्लाह उनका बयान तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं सिर्फ उनमें से कुछ कुछ चंद जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने बयान की हैं मुकम्मल तो मैंने बयान नहीं कर सका तो अगर ये मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाजमी कमेंट्स करके बताएं कि आया कि मेरी आवाज़ वाकई उनके साथ मिलती है या नहीं मिलती तो कमेंट्स भी करें शेयर भी लाजमी करें एक अच्छी चीज़ को शेयर करना बहुत सवाब का काम होता है हम गाने बजाने शेयर करते रहते हैं गलत चीज़ें शेयर करते रहते हैं हमें ये पता नहीं होता कि इसका कितना गुनाह है जब तक ये पूरी दुनिया में गलत चीज़ें शेयर होती जाएंगी हमें अपने खुद को तो गुनाह होगा लेकिन जो वो लोग उनको देखेंगे पढ़ेंगे या गाने गाएंगे तो उनका गुनाह भी हमारे सर पे है तो इसलिए हमें बुरे चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए जो हमारे आवाम के लिए हमें फ़ायदा मंद हों वो चीज़ें शेयर करना चाहिए एक सदका जारिया है तो ये तो बयान था तो इसको लाजमी शेयर करें आपके शेयर करने से कोई नुकसान नहीं होता आपका कोई खर्च नहीं होगा लेकिन हाँ आपको सवाब ज़रूर मिलता रहेगा जिस तरह गाने बजाने गलत चीज़ें शेयर करने से गुनाह मिलता है तो इसी तरह अच्छी चीज़ें और उन सवाब की चीज़ें कुरान पाक की तिलावत और नात और इस तरह के बयान शेयर करने में
भी हमें सबका जारिया सवाब मिलता रहेगा। तो आखिर में दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे डेली न्यू पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को और घंटी भी दबाएं। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।